अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 24 मार्च 2020 को जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में तालाबंदी की घोषणा की, संत निरंकारी मंडल को एहसास हुआ कि जरूरतमंद एवं उनके परिवारों के लिए जीवनावश्यक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। इस मौके पर सद्गुरु सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मंडल ने जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं राशन सामग्री प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष में स्थापित मिशन के सभी 95 जोनों और 3000 से अधिक शाखाओं को खाद्य सामग्री एवं भोजन वितरण करने की सेवा का संदेश दिया। कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार के कारण एवं देश में पूर्ण लॉकडाउन से प्रभावित होने से निरंकारी मिशन के भक्त और संत निरंकारी सेवा दल के स्वयंसेवक रोजाना लाखों लोगों को सूखा राशन और लंगर प्रदान कर रहे हैं। एक संगठन के रूप में हर दिन लगभग 1,00,000 लोगों को ताजा तैयार किया हुआ लंगर बांटा जा रहा है। भारत के प्रमुख और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी निरंकारी मिशन की शाखाएं किसी न किसी तरह से योगदान दे रही हैं। कई शाखाएं अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक सेवाओं में लगे कर्मचारियों सहित जरूरतमंदों के लिए भोजन, जलपान और चाय की सेवा कर रही हैं। मिशन की देश भर में फैली शाखाओं ने जरूरतमंद परिवारों को लगभग 1,00,000 पैकेट सूखा राशन वितरित किया है। वहीं संत निरंकारी मिशन ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक को 50,00,000 के साथ साथ प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सभी संबंधित मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से मिशन के इन योगदानों की सराहना और प्रशंसा की है। दिल्ली NCR में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कुछ शाखाओं में निरंकारी कॉलोनी रोहिणी, रोहतास नगर, मंगोलपुरी, मदनगीर, पीरागढ़ी, मेहरौली, गीता कॉलोनी, मॉडल टाउन, सुल्तानपुरी, रानीबाग, प्रेमनगर, मुबारकपुर, मुखर्जी शामिल हैं। दिल्ली के नगर हर्षविहार, नंद नगरी, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा आदि देश भर की शाखाओं में लुधियाना, अमृतसर, बरनाला, चंडीगढ़, कोटकापुरा, गुरदासपुर, पोटा साहिब, होशियारपुर, शिमला, राजपुरा, जम्मू, उधमपुर, जुलंदपुर, लोंगावाल, पानीपत, करनाल, सोनीपत, हिसार, यमुनानगर, फतेहाबाद, बूंदी, जयपुर शामिल हैं। बाड़मेर, बीकापुर, अलवर, भीलवाड़ा, लक्ष्मणगढ़, श्री गंगानगर, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मुरैना, रीवा, सतना, मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, कोलकाता, वर्धमान, हावड़ा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, झांसी, सहारनपुर, मसूरी, चंबा, देहरादून, राजगढ़, सिरमौर, कटनी, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, बेंगलोर, हैदराबाद, पटना, नालंदा, गया, रांची, गोवा, रायपुर आदि सभी शाखाओं द्वारा जरूरतमंदों तक भोजन, राशन, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार को 10,000 PPE किट भी दिए हैं। संत निरंकारी मिशन ने अपने सत्संग भवनों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन केंद्रों के रूप में उपलब्ध कराने की पेशकश की है। यमुनानगर भवन का उपयोग पहले से ही क्वारंटाइन केंद्र के रूप में किया जा रहा है। आपको बता दें कि संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक जागरूकता के अपने मूल विचारधारा के साथ पिछले 90 वर्षों से समाज के सामाजिक उत्थान, राहत और पुनर्वास में योगदान दे रहा है। मिशन के पिछले गुरुओं की भांति इस प्रेम भाईचारे वाले मिशन को वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। सदगुरु माता जी ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें सेवा करते समय स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकारी निर्देशों का बारीकियों से पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस रखते हुए मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लोव पहनकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सेवाएं निभानी चाहिए। माता जी ने और कहा कि संसार में रहने वाले भाई बहन सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। मिशन देश के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा करता है, वर्तमान संकट को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्रार्थना करता है ताकि चारों ओर खुशहाली हो। संत निरंकारी मिशन पिछले 90 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इसकी सराहना की है, किस विषय में की है? देखिए, जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर मिशन ने अपना योगदान दिया है उसके लिए उन्होंने सराहना की है। दूसरा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको हमने 10,000 PPE किट्स दी हैं, उसके लिए उन्होंने सराहना की है। तो मिशन तो पहले भी करता है, इन चीज़ों को साइलेंटली करता है, पहली बार ऐसे हाईलाइट हुआ है, जबकि हाईलाइट मिशन की तरफ से नहीं होता कभी भी।
तो मिशन तो योगदान करता रहता है समय समय पे अपना। दिल्ली की इस शाखा से कितने भक्तों को भोजन दिया जा रहा है? देखिए इस समय दो समय का भोजन जा रहा है, 12,000 लोगों के लिए सुबह जा रहा है लगभग 11 बजे और 12,000 लोगों के लिए शाम को जा रहा है 6 बजे के आसपास। यहाँ से बड़े बड़े पतीलों में लंगर जा रहा है, तो ये कैसे सर्वे करते हैं कि ये साथी ये लोग जो लेकर जा रहे हैं किन किन जगह पर नाता वितरित करेंगे? देखिए ये काम हमारा नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ बनाने का काम कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है हम गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज़ के थ्रू कर रहे हैं, वो जो हमारी दिल्ली पुलिस है, चाहे वो बुराड़ी की हो, चाहे वो मुखर्जी नगर की हो, चाहे वो वजीराबाद की हो, ये बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनकी तरफ से है। या फिर हमारे जो MLAs हैं, चाहे वो पवन शर्मा जी हैं, चाहे वो दिलीप पांडे जी हैं, चाहे हमारे संजीव झा जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, हम उनके थ्रू कर रहे हैं। उनको पता है कि किस शेल्टर कैंप के अंदर कितने लोग रुके हुए हैं, उसके हिसाब से वो लंगर वहाँ पर देते हैं। उनको पता है कि कहाँ झुग्गी झोपड़ी के अंदर कितने लोगों के लिए ज़रूरत है, उनको उस हिसाब से वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं। मिशन की कितनी शाखाएँ हैं इस समय सेवा देने की? देखिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे जितने भवन हैं, सतगुरु माता जी की तरफ से आदेश यही है कि जिस भवन के आसपास जहाँ भी कोई ऐसा है जिसको प्रभु ने अभी उतनी वेल्थ नहीं दी है कि वो अपने आप हर चीज़ का अरेंज कर सके, तो मिशन उस तक सेवा पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहुँचा रहा है। जितने हमारे वर्ल्ड में ब्रांचेज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी है, हजूर की तरफ से सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सब हर तरीके से अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, अपनी देखरेख करते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है उसको मेंटेन करते हुए सारे काम को करेंगे। जी यहाँ जो सेवा दी जा रही है लंगर की, ये क्या क्या मेनू होते हैं, आज का क्या मेनू है? देखिए मेन्यू जो है आज इस वक्त सफ़ेद चना और आलू, चावल और चपाती है, ये तो है आज का इस वक्त का मेन्यू जो 12,000 लोगों के लिए जा रहा है। और क्या क्या डिश इसमें हम लोग बनाते हैं? इसमें चपाती और चावल तो कॉमन है, सब्जियां बदलती रहती हैं, कभी दो सब्जियां हो जाती हैं अलग अलग, एक हरी सब्जी और एक दाल वगैरह बन जाती है, इस तरीके से मेन्यू इसका चेंज होता रहता है दोनों टाइम पे। साथियों के पास, किन किन भक्तजनों के पास ये भोजन जाता है, ये सेवा कैसे आप दुरुस्त करते हैं और कितने साथी कितने श्रद्धालु इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें लगभग 60-70 वॉलंटियर हैं डेली जो यहाँ सेवा करते हैं, हमने दो टीमें बुला रखी है, सुबह अलग शाम को अलग, तो ये लोकल यहाँ का एरिया जो आसपास का संतनगर, नत्थूपुरा, जड़ौदा, हरदेव नगर, नंकारी कॉलोनी, यहाँ के वॉलंटियर हैं जो सब मिलजुल के ये सेवा निभा रहे हैं। और ये मेनू हर हफ्ते में हर दिन पे क्या क्या बदला जाता है उसके बारे में भी? मेनू हर सुबह का अलग है, शाम का अलग है, जैसे आज अभी आपने देखा वाइट चने और आलू बने हुए हैं, शाम को ऐसे ही मूंग धुली दाल वो बनेगी, कल सुबह दाल अलग बनेगी, शाम को फिर अलग बनेगी, पूरे हफ्ते का मेनू बना हुआ है, ये चलता है लगातार कंटिन्यूस। ये कब तक हम लोग सेवा देंगे? ये देखो अभी तो जैसे जैसे ये अगर आगे बढ़ता है लॉकडाउन, जब तक चलेगा तब तक इस सेवा को ये चलती रहेगी कंटिन्यू। समय आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से जितने भी संस्थान हैं वे सब बंद हैं, और जो हमारे संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं या भक्त लोग हैं वो इस आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, इस बारे में जानकारी? ऐसा है कि हमारे मिशन में शुरू से, मिशन में क्या, संसार में सबको एक ईश्वर का एहसास कराया जाता है, हमारे यहाँ सत्संग होता है, सत्संग में हम सब लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, उसके अलावा भी हमें सतगुरु ने एक और कृपा की है, हमें निरंकार के दर्शन कराए हैं। सत्संग यहाँ सत्संग स्थान पे आके भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है, तो घर में जब हम ईश्वर को, निरंकार को सामने अपने आसपास देख के, हमारे गुरु ने हमारे पे कृपा की है कि निरंकार भी है, ईश्वर, निरंकार, प्रभु, जैसे हम किसी मंदिर, राम मंदिर में जाते हैं तो प्रभु का नाम भी तो हम लेते हैं, तो प्रभु भी बीच में होता है, सामने राम की मूर्ति होती है और बीच में प्रभु होता है, इसी प्रकार जब हमारे सतगुरु सामने बैठे होते हैं तो बीच में निरंकार होता है, और निरंकार जो है वो जहाँ जाते हो वहीं पर है। आप यहाँ से बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ईश्वर निरंकार आपके साथ है, तो उसको सामने देखकर और सतगुरु की जो हमारे आदेश हैं जो उसका हम पालन करते हुए सत्संग भी कर सकते हैं और हम सत्संग कर भी रहे हैं। और इसके अलावा अभी अभी कल सतगुरु माता जी ने, हमारे गुरु जी ने, सतगुरु ने हमें संदेश दिया है, वो भी सारे मानव मात्र तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रहा है, और आप भी उसको पहुंचाने की कृपा करें ताकि सबको
जो भी माता जी का आदेश उपदेश चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं उनको घर बैठे मिल सके। धन्यवाद महापुरुषों। ये जो आप दिल्ली की है मुख्य शाखा से आप ये सेवा दे रहे हैं, हाँ जी, और दिल्ली NCR में और कौन कौन सी शाखाओं से ये लंगर वितरित किया जा रहा है? देखिए सनकारी मिशन की तरफ से जो इसका सिस्टम बना हुआ है 24 ब्रांच सिर्फ 24 सेक्टर बने हैं दिल्ली के अंदर, और 24 सेक्टर के अलावा अगर ग्रेटर दिल्ली को मिला लें तो 32-33 टोटल हो जाते हैं, और इन सब में टोटल मिला के लगभग 300 से ज़्यादा निरंकारी सत्संग भवन बने हैं, ब्रांच हैं, जहाँ पर जिसमें से आप कहें जो रोहिणी कह लें, अर्जुन नगर कह लें, सुभाष नगर कह लें, पीतमपुरा कह लें या शालीमार बाग कह लें, इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी निरंकारी सत्संग भवन हैं वहाँ वहाँ से ये जो 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 सहायता है ये हर जगह पर पहुँचाई जा रही है, क्योंकि सेवा दल का जो सिस्टम है वो पूरे विश्व में, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में है, क्योंकि जो निरंकारी मिशन की जो जो ब्रांचेज हैं वो भारत के अंदर 3000 के करीब ब्रांच हैं, तो उसके थ्रू ये सारा जो, जो सेवा का कार्य ये चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।